हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में ना आपको मैं ये बताऊंगी कि एक्चुअल में इंटरव्यू होता कैसा है और मेरा इंटरव्यू कैसे जाता है, मतलब मैं क्या समथिंग समथिंग डैश पकाती हूँ अपने इंटरव्यूज में। एंड यू नो व्हाट, जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ, मैं कुछ अच्छे अच्छे पिक्स के लिए जाऊँ या कुछ भी अच्छा होने वाला हो ना मेरी लाइफ में, तो मतलब माय पिंपल्स आर पॉप्स अप लाइक लिव, आई एम हियर। ओके, अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ और ये 11 बज गए और टाइम क्या था कि 10 to 12, सो आई थॉट कि मैं ना 7 बजे उठ जाऊँगी, बट अभी 10 मिनट पहले उठी हूँ। बिना नहाए धोए जाती हूँ मैं, थोड़ी सूंघने वाले हैं मेरे को, यहाँ पे आयरन भी नहीं है और मैं बिना आयरन के ऐसे ही चली जाती हूँ कुछ भी पहन के। और ऊपर से मैंने इतने इतने बाल काटे थे पहले, ऊपर से मैं इतना शॉर्ट वापस गई, अभी इतने इतने हो गए, ये दिमाग में भी नहीं आया कि मेरे को इंटरव्यू भी देना होता है। एंड बाय द वे, आई एम डूइंग पार्ट टाइम जॉब, बट मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आई एम डूइंग अनदर जॉब। एंड अगर मुझे जॉब मिल भी गई फिर भी मैं इंटरव्यू देना बंद नहीं करने वाली। मजा आती है इंटरव्यू देने में, मुझे थ्रिल मिलती है ना। लेट्स गो एंड गेट राइट। That this auto is very unique. Let me show you. घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि इंटरव्यू इतना हेक्टिक था, ऊपर से इतना ज्यादा वेट करवाया, ऊपर से जितनी सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है उतनी देते नहीं है, ऊपर से पानीपुरी वाले भैया से ना मैंने अभी बात किया तो वो महीने का 60,000 का वो अर्निंग कर रहे, और जब उसका कोरोना और ये सब नहीं चल रहा था 19 ईयर्स से वो यहाँ पे है, क्योंकि उसको किसी के अंडर जॉब नहीं करनी है। We have done master degree and still we are getting only 25,000 or 20,000 maximum. Let's eat. मतलब फायदा क्या है इतनी ज्यादा वो करने का जब सैलरी ही ना मिले तुमको यहाँ पे। इसीलिए ना YouTube को सब्सक्राइब करो, मेरे को YouTube ग्रो करना है और YouTube के लिए कंटेंट बनाना है जो ज्यादा पे करता है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओह, समवन इज कमिंग। अभी ना मैं यहाँ पे पार्क में बैठी हूँ और देयर इज अ फ्री जिम हियर एंड द पार्क इज आल्सो गुड। लेट मी शो यू, लुक एट दिस ब्यूटी। इधर पे आप फ्री एक्सरसाइज भी कर सकते हो, सी कितना प्रिटी प्रिटी का सब कुछ है, माइंड फ्रेश होता जाता है यहाँ पे आके। सो आई एम इन माय टेरेस राइट नाउ। मेरा ना ऐसे दम घुटता है, मैं घर पे पहुँच गई अभी, पर मैं आधे से ज़्यादा टाइम तक तो ना
टेरेस पे ही पड़ी रहती हूँ। और इतनी मस्त टेरेस है ना मेरी, सी पूरा का पूरा शहर दिखता है यार यहाँ से। सी ब्यूटीफुल ना, लुक एट द क्लाउड्स। So pretty. See guys, no one is here, that's why I'm removing mask. And yes, one more thing. मैं और मेरी दोस्त जो है ना, जो मेरे पड़ोस में रहती है, हम लोग अक्सर यहाँ पे आया करते हैं। लाइक दिस इज सो ब्यूटीफुल प्लेस। मेरा घर थोड़ा सा छोटा है ना, तो मेरा ऐसा दम घुटता है ऐसी जगह पे रहने के लिए। एंड बाय द वे, दैट फ्रेंड इज होल्डिंग माई कैमरा and I don't want to reveal the privacy of her because of some reason. I don't want to reveal anyone's privacy on my channel. So yeah, this is so pretty. मैंने यहाँ पे एक इंस्टाग्राम की रील्स भी बनाई है, उसके लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, जिसका नाम है रिद्धि आप्पा। गाइज मैं ना यहाँ से ना सीढ़ी पे चढ़ के, इधर पे एक छोटी सी टेरेस है जहाँ पे टंकी वंकी रखते, मैं इधर भी चढ़ के बैठा करती हूँ। लाइक यहाँ से जो व्यू आता है ना, बॉम्ब है बॉम्ब। ये सब भी नहीं दिखता पता है यहाँ से, मस्त है, मतलब बहुत ही मस्त है। मुझे जैसे रूफ टॉप वाले घर होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा। ये बालकनी देख रहे हो, पिंटरेस्ट पे ऐसी होती है पता है, एस्थेटिक सी। कितना प्रीटी है सब कुछ यहाँ पे, यहाँ पे पेड़ पौधे तो इतने ज़्यादा है ना कि बात ही ना पूछो। सी यार, ये बिल्डिंग कितनी प्रीटी लग रही है, ये देखो।